Good morning, students. Today our topic is play therapy. What is play therapy? Play therapy, it's a psychiatric procedure by which different kind of psychiatric symptoms are relieved in the children. Child के अंदर जो भी psychiatric symptoms हैं, उनको इस therapy के through relieve किया जाता है. So first of all, play therapy. Play therapy के कुछ function हैं. Like curative function and diagnostic function. Curative function means कौन कौन सी चीजें cure होती है by the play और किन किन चीजों को diagnose किया जा सकता है through the play therapy. Play therapy के through किन किन चीजों को diagnose किया जा सकता है. तो first of all कौन कौन सी चीजें हैं जिनको cure किया जा सकता है. First of all to release tension. फर्स्ट क्यूरेटिव फंक्शन है रिलीज टेंशन. जो भी बच्चों के अंदर टेंशन है बाय द प्ले, एक ग्रुप के अंदर प्ले करने से, खेलने से बच्चों के अंदर जो टेंशन है वो काफी हद तक रिलीव हो जाती है. द सेकंड इन सेकंड इज अलाउ कंपनसेशन. अलाउ कंपनसेशन मतलब जो खेल है उसके अंदर हार और जीत दोनों होती रहती है, तो उसके अंदर ये जो प्रोसेस है नॉर्मल जीतना और हारना, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो आगे इन फ्यूचर लाइफ के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. दिस इज द पार्ट ऑफ प्ले, मतलब खेलना, मतलब हारना और जीतना. देन सेकंड इज इम्प्रूव इमोशनल ग्रोथ. जो इमोशनल ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक इससे क्योर होती है, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, इमोशंस हो, बाई द प्ले ग्रुप के अंदर खेलने से वो जो इमोशन है या जो स्ट्रेस है वो हील हो जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए अपन फॉरगेट कर देते हैं. तो ये एक क्यूरेटिव फंक्शन है प्ले थेरेपी का. देन नेक्स्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ हिज फैंटेसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट. और उसकी जो फैंटेसीज है और जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे का, वो भी इस प्ले थेरेपी के थ्रू रिलीव हो जाता है. सो दीज आर द क्यूरेटिव फंक्शन ऑफ द प्ले थेरेपी. ये क्यूरेटिव फंक्शन है प्ले थेरेपी के. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डायग्नोस्टिक फंक्शंस ऑफ द प्ले थेरेपी. प्ले थेरेपी के कौन कौन से डायग्नोस्टिक फंक्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर चाइल्ड प्रॉब्लम. जो चाइल्ड की जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी प्ले थेरेपी की. देन हिडन आस्पेक्ट ऑफ इट्स पर्सनैलिटी. उसके पर्सनैलिटी के, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसके जो हिडन आस्पेक्ट है जो ड्यूरिंग द प्ले अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इंटेलिजेंस लेवल. जो जितना उसका आईक्यू लेवल है वो कितना इंटेलिजेंस है या ब्रेन को काम में ले रहा है ड्यूरिंग द प्ले, उसका भी एक मेजरमेंट किया जा सकता है. देन वो कोई मेंटल रिटार्डेड तो नहीं है या उसका आईक्यू लेवल मोस्टली कितना है. देन इंटर सिबलिंग रिलेशनशिप. इंटर सिबलिंग रिलेशनशिप ऑल्सो द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द प्ले थेरेपी. जो सिबलिंग्स हैं उनके अंदर कैसा रिलेशनशिप है, भाई बहनों के अंदर, कजन ब्रदर के अंदर, सिस्टर्स के साथ, रियल सिस्टर ब्रदर के साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है और किस हद तक वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है, ये सारे चीज़ें हैं डायग्नोसिस के अंदर काम आती है ऑफ द पेशेंट के जो साइकेटिक डिसऑर्डर्स हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्ले थेरेपी. प्ले थेरेपी के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल वर्सेज ग्रुप प्ले थेरेपी. इंडिविजुअल वर्सेज ग्रुप प्ले थेरेपी. सेकंड वन इज प्ले फ्री प्ले वर्सेज कंट्रोल्ड प्ले थेरेपी. थर्ड वन इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले थेरेपी. फोर्थ वन इज डायरेक्टिव वर्सेज नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ दिस प्ले थेरेपी. इन दिस फर्स्ट टाइप इंडिविजुअल वर्सेज ग्रुप प्ले थेरेपी. इंडिविजुअल मीन्स वन, एक, मतलब बच्चा एक ही होगा पूरे
गेम के अंदर कोई भी एक प्ले कर रहा है, जो बच्चा खेल रहा है वो खाली एक सिंगल नंबर के अंदर होगा और एक थेरेपिस्ट है जो उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इसी को बोलेंगे इंडिविजुअल प्ले थेरेपी वर्सेज ग्रुप प्ले थेरेपी। ग्रुप प्ले थेरेपी के अंदर काफ़ी सारे बच्चों का ग्रुप होगा, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे प्ले के अंदर। तो ये ग्रुप प्ले थेरेपी हो गया। सेकंड वन इज फ्री प्ले वर्सेज कंट्रोल्ड प्ले थेरेपी। फ्री प्ले मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्लानिंग नहीं की होती है कि इस हिसाब से आपको इस जगह खेलना है, इस टाइम को खेलना है, ये प्ले आपको खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कोई कुछ भी चीज़ खेलना है, निर्धारित नहीं होता कुछ भी। वो होता है फ्री प्ले, फ्रीली कुछ भी बच्चा है जो खेल सकता है अपने मूड के हिसाब से, एंजॉयमेंट के हिसाब से कुछ भी खेल सकता है। देन कंट्रोल प्ले, उसके अंदर एक फिक्स प्ले है जो प्लानिंग के थ्रू बच्चे को दिया जाता है कि आपको यही खेलना है, इतने बच्चों के साथ खेलना है, इसके साथ खेलना है। तो ये आता है कंट्रोल प्ले के अंदर। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर्ड प्ले वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। जो स्ट्रक्चर्ड प्ले है वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले के अंदर वेल प्लानिंग की होती है, टाइम की, सिचुएशन की, ये सारी प्लानिंग की होती है। देन अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के अंदर किसी भी तरह की कोई भी और सिचुएशन की प्लानिंग नहीं की होती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले थेरेपी। फोर्थ वन इज डायरेक्टिव वर्सेज नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। डायरेक्टिव वर्सेज नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। डायरेक्टिव में बाय द थेरेपिस्ट डायरेक्शन दिया जाता है बच्चों को कि आपको इसी हिसाब से खेलना है, ये गेम खेलना है और आपको ये इस टाइम के दौरान ये चीज़ें आपको करनी है। सो दिस इज द डायरेक्टिव, जिसके अंदर डायरेक्शन दिया जाता है बाय द थेरेपिस्ट, दिस इज डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। देन नॉन वर्सेज नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी के अंदर किसी तरह का नॉन डायरेक्शन, किसी तरह का डायरेक्शन नहीं दिया जाता बाय द थेरेपिस्ट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्ले थेरेपी। ये प्ले थेरेपी के टाइप्स हो जाते हैं, वेरियस काइंड ऑफ। सो इसको वापस से समराइज करते हैं। पहला प्ले थेरेपी को, प्ले थेरेपी इज द नेचुरल मोड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो रिक्वायर होता है ये वो मेथड है प्ले थेरेपी, जिसके द्वारा भी जिसके कई सारे फंक्शन हैं लाइक क्यूरेटिव फंक्शन एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन, और जिसके कई सारे टाइप्स भी हैं। सो दिस इज द प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी के बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट थेरेपी इज साइको ड्रामा। नेक्स्ट वन इज साइको ड्रामा। साइको ड्रामा इज ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ ग्रुप थेरेपी, स्पेशलाइज टाइप ऑफ ग्रुप थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो पेशेंट है एक्ट लाइक ए एक्टर लाइफ सिचुएशन सिनेरियो, मतलब एक लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो लेस थ्रेटनिंग होती है रियल लाइफ सिचुएशन से, रियल लाइफ सिचुएशन से तुलना में एक लेस थ्रेटनिंग एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है बाय द थेरेपिस्ट। उसके अंदर पार्ट प्ले करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है और सिचुएशन है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसके उन सिचुएशंस के बाद में जो पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स अपीयर होते हैं उनको वो इतने ज़्यादा थ्रेट करने वाले नहीं होते, इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। सो उनको धीरे धीरे रिलीव किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई भी उसके थ्रू किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं साइकोड्रामा थेरेपी। तो साइकोड्रामा थेरेपी एक सिंपल सी थेरेपी है जिसके अंदर एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है बाय द थेरेपिस्ट और पेशेंट एक्ट लाइक ए एक्टर, एक्टर की तरह वो एक इसके अंदर भूमिका निभाता है और वो पूरा का पूरा थेरेपी कंडक्ट की जाती है। देन सेकेंड पार्ट इज सेकेंड थेरेपी इज सिंपल म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी के बारे में आप सबको पता ही है, जो म्यूजिक थेरेपी के डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज है लाइक इमोशनल एक्सप्रेशन। म्यूजिक थेरेपी के थ्रू जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन कॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है लाइक लर्निंग है, थॉट है, इन सबको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, किया जा सकता है बाय द म्यूजिक थेरेपी। देन सोशल इंटरेक्शन, म्यूजिक थेरेपी के थ्रू सोशल इंटरेक्शन है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज द म्यूजिक थेरेपी। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस
dance therapy. Next is dance therapy. What is dance therapy? By the dance, emotions को express करना by the patient. काफी physically और emotionally. Like इसके क्या क्या advantage है? इसके अंदर body awareness होती है, then expression of feelings भी dance के through किया जाता है. Then improve interaction communication. एक communication को भी काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. Then self कॉन्फिडेंस भी इसके द्वारा डेवलप होता है. देन गुड सर्कुलेशन. अब जो डांस थेरेपी है, हालांकि उसके उससे क्या होगा, मोटर एक्टिविटीज भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, तो उसके थ्रू जो है जो अच्छा सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो भी इम्प्रूव होगा. सो दीज आर द थेरेपीज लाइक फर्स्ट प्ले थेरेपी, देन साइकोड्रामा, देन म्यूजिक थेरेपी, देन डांस therapy. Now next is recreational therapy. Recreational therapy, it's a type of activity therapy. ये एक तरह की activity therapy है. ये activity therapy है और ये कई सारी साइकेट्रिक सेटिंग्स के अंदर इसको काम में लिया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट. इस रिक्रिएशनल थेरेपी के वेरियस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, लाइक इसके कुछ एम है, इसके कुछ टाइप्स हैं और कुछ ये किन किन डिसऑर्डर्स के अंदर काम में ली जाती है, तो इसके बारे में अपन फर्दर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी, फर्स्ट एम इज सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा इंप्रूव होता है बाय द रिक्रिएशनल थेरेपी. सेकंड वन इज इन डिक्रीज विड्रोवल टेंडेंसी. जो विड्रोवल टेंडेंसीज है पेशेंट की वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है. देन आउटलेट ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है जो आउटलेट है बाय दिस थेरेपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रिक्रिएशनल थेरेपी. फोर्थ वन इज डेवलप स्किल. जो पेशेंट के अंदर जो स्किल है डिफरेंट काइंड की, जो इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरपर्सनल स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. देन फिफ्थ वन इज इंक्रीज फिजिकल कॉन्फिडेंस. जो फिजिकल कॉन्फिडेंस है, मोटर कॉन्फिडेंस है, मोटर एक्टिविटीज है, वो ज्यादा जो पेशेंट है उसके अंदर डेवलप हो जाती है बाय द रिक्रिएशनल थेरेपी. सो दीज आर द एम ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इंटरेक्शन, डिक्रीज विड्रॉवल टेंडेंसी, आउटलेट ऑफ फीलिंग्स, देन डेवलप स्किल, देन डिक्रीज फिजिकल कॉन्फिडेंस. सो दीज आर द एम. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी. फर्स्ट टाइप इज मोटर, देन सेकेंड इज सेंसरी, थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल. सो दीज आर द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी. रिक्रिएशनल थेरेपी तीन फॉर्म्स के अंदर दी जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर फॉर्म, देन इज सेंसरी फॉर्म, देन इंटेलेक्चुअल फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर फॉर्म, मोटर फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, मोटर फॉर्म को बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फॉर्म, देन एक्सेसरी फॉर्म. फंडामेंटल फॉर्म एंड एक्सेसरी फॉर्म. फंडामेंटल फॉर्म है, इसका सीधा सा मतलब है जो प्ले है लाइक हॉकी एंड फुटबॉल, ऐसे प्ले हैं जो पेशेंट को जो ग्रुप मेंबर है या जो आपके पास क्लाइंट आया है उसको दिए जाते हैं खेलने के लिए. देन एक्सेसरी के अंदर लाइक डांसिंग है, गाने गाना है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो इस एक्सेसरी के अंदर पेशेंट को दी जाती है करने के लिए. सो दिस इज द मोटर फॉर्म ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी. सो इसके फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, फंडामेंटल देन एक्सेसरी. फंडामेंटल में लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये हो गया हॉकी, हो गया एक्सेसरी के अंदर डांसिंग, ये हो गया. देन सेकेंड इज सेंसरी फॉर्म. सेकेंड वन इज सेंसरी फॉर्म. सेंसरी फॉर्म के अंदर मोस्टली विजुअल एस्पेक्ट है जो यूज लिए जाते हैं, लाइक पिक्चर हो गई, कोई मूवीज हो गई, या इस टाइप से विजुअल एस्पेक्ट के ऊपर
जोड़ दिया जाता है. सो दिस फॉर्म नोन एज सेंसरी फॉर्म. देन थर्ड फॉर्म इज इंटेलेक्चुअल फॉर्म. इंटेलेक्चुअल फॉर्म इट्स लाइक ए रीडिंग एंड डिबेटिंग ऑन ए टॉपिक. किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करना, देन उसके बारे में रीडिंग करना, किसी चीज के बारे में रीडिंग करना, दिस इज द इंटेलेक्चुअल फॉर्म. सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी. फर्स्ट वन इज मोटर, देन सेकेंड इज सेंसरी, देन इंटेलेक्चुअल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स रिक्रिएशनल थेरेपी इज यूज. लाइक फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये थेरेपी काम में ली जाती है. देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर भी काम में ली जाती है. सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड एंड कैटाटोनिक दोनों के अंदर ये जो थेरेपी है वो काम में ली जाती है. देन डिमेंशिया के अंदर भी ये काम में ली जाती है. देन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर के अंदर ये काम में ली जाती है. और मेंटली रिटार्डेड बच्चों के अंदर भी ये थेरेपी है जो काम में ली जाती है. सो वी आर समराइज दिस रिक्रिएशनल थेरेपी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिक्रिएशनल थेरेपी. रिक्रिएशनल थेरेपी इज एक्टिविटी थेरेपी यूज इन वेरियस काइंड ऑफ सेटिंग्स ऑफ साइकेट्रिक सेटिंग्स. वेरियस एम्स ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी. दीज आर द एम्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी. नाउ द टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी मोटर सेंसरी एंड इंटेलेक्चुअल. Then suggested disorder for this kind of therapy are the depressive disorders, anxiety disorders, schizophrenia, paranoid and catatonic, the dementia and mental retardation. So today our many therapies are completed. Thank you very much.